की पत्नी से आपने मुलाकात की है, जी किस तरह से मुलाकात रही है, क्या किन बातों पर चर्चा हुई? जो जुल्म उन पे हो रहा है, तारीख में मिसाल नहीं मिलती उसकी। जी सर, दरिंदे इंसान के दुश्मन, शैतान और जाबिर कज़्ज़ाब डाकू लुटेरे हमलावर, इन्होंने को बनाने की हिंदुस्तान के ऊपर आ गई। मतलब मैंने जो पहले भी कहा था ना आपसे, हमलावरों को देखिए, नादर शाह हों या इब्राहिम लोधी हों या सॉरी अपने मोहम्मद गौरी हों या महमूद गज़नवी हों, और बहुत से लोग आए, लेकिन शायद उस ज़माने में भी इतनी नाइंसाफ़ी और तदब नहीं हुआ हो जितना आज आदम हो रहा है। मतलब और इस जुल्म के खिलाफ हर जीहोश आदमी को, हर जो आदमी यकीन रखता हो प्रजातंत्र पर, हर जो आदमी जो यकीन रखता हो गांधीवाद पर, हर आदमी जो यकीन रखता हो डेमोक्रेटिक लड़ाई के ऊपर, इन सब को एक साथ उठना चाहिए और सारे जमहूरी और पुरमन प्रजातांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके अपनाकर इस प्रेजेंट रिजिम को गहरे गड्ढे में दफन कर देना चाहिए। मतलब ये मोदी की सरकार को, योगी की सरकार को, अमित शाह की सरकार को इतने गहरे गड्ढे में दफन करना चाहिए इनकी शासन को, दोबारा सांस लेने का मौका नहीं मिल सके। और हर आदमी, हर वो आदमी जो यकीन रखता है सिक्योरिज्म पर, तरक्की पसंदी पर, एक असंप्रदायिक राष्ट्र के निर्माण के लिए जिसका यकीन है हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर, उसको हर संवैधानिक तरीका अपना कर इनको उखाड़ के तारीख के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। मतलब लेकिन जो बड़ी इनकी डटबिन ऑफ हिस्ट्री, वही इनके अंजाम है, वही इनकी औकात थे और वही इनका नसीब है। मतलब हज़ारों लाशें जो गंगा में बहती रही, हज़ारों लोग जिनको दफन करने के बाद दुहाड़ दिया गया, जो कुत्ते और गिदड़ और भेड़िए, चील गिद्ध कौए जिनका मांस खा के बिखेरते रहे, हज़ारों वो बेवाएँ जिनकी मांगों के सिंदूर पहुँच दिए गए, हज़ारों बच्चे जसीब हो गए, हज़ारों वो बहनें जिनके हाथों की राखियाँ बनी रह गई, हाथों में रह गई राखी की बांध नहीं सकेंगी वो, हज़ारों माएँ जिनकी गुजा खाली हो गई, उनकी रूहें इंतकाम की मांग कर रही हैं। वो इंतकाम ऐसा लो कि इनकी लाश को, इनकी लाशों को और इनके पूरे वजूद को और इनकी पॉलिटिक्स को और इनकी नीति को, इनकी जो राजनीति की लाश है उसको ऐसे गढ़े, उसको ऐसी लंबी सीता में जलाओ कि दोबारा इनको सांस लेने का मौका ना मिल सके। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की मैं शासन की बात कर रहा हूँ आपसे, मतलब उसमें कौन होते हैं, शासन में होते हैं क्या है जी, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, पीएम मोदी जी ने तो 50 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया था, पीएम मोदी जी ने तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का भी ऐलान किया था, पीएम मोदी जी ने 10 करोड़ रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का ऐलान किया था। मतलब जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, मतलब अभी विकास दर पहुँच गई 4%, भुखमरी के हिसाब से हमारा नंबर 151 था पहले दुनिया में, आज वी आर 101 भुखमरी अकाउंट में, हमारा नंबर 101 बांग्लादेश पाकिस्तान नाम से अच्छे हैं। मतलब 51 से हम आगे 101 पे आ गए। मतलब ये और पूरे मुल्क को बेच दिया अडानी अडानी और अडवानी के हाथों में, अंबानी अडानी के हाथों में आगे प्लेटफार्म बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, इंडस्ट्रीज बेच दी, सारा कुछ जो पंडित नेहरू के ख्वाब थे, तो पंडित नेहरू ने अपने खून का पसीना बनाकर इस मुल्क के लिए हाईवे प्लान के जरूर लेके आए थे, उनको बर्बाद कर दिया, नीलाम कर दिया, तबाह कर दिया उन्होंने। इसके साथ तारीख लेंगी इनसे और आने वाली नस्लें लेंगी। पूरे मुल्क में गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। अभी एन के सिंह बड़े मशहूर पत्रकार हैं, आपके साहब हैं, उन्होंने अभी टीवी बोल रहे थे वो कि एक अनस्किल्ड लेबर 10,000 साल में जितनी मजदूरी कमाएगा वो अंबानी की 1 मिनट की इनकम है। 10 स्किल्ड लेबर वो आएगा। और आप किसानों की बात कर रहे हैं कि आपने जो किसान बिल वापस कर लिए, तो 700 किसान जो मारे गए, शहीद हुए जो अभी, जिन पर कोई मोदी सरकार, योगी सरकार, आरएसएस, बीजेपी का आदमी पूछने नहीं गया, उनको जो पूछने गए तो उन्होंने क्रश कर दिया उनको, अपनी मोटरों के नीचे दिया उनके। तो वो 700 लोग शहीद हुए हैं, उनके ख्वाब, उनकी तमन्नाएं, उनकी आरजुएं, उनका परिवार, उनकी बेवाएं, उनकी यजी बच्चे, उनकी बाहों के पूछे हुए सिंदूर, उजड़े हुए सुहाग, टूटी हुई चूड़ियाँ, हाथों में इंतजार करते हुए बहनों की राखियाँ, तो कभी नहीं बन पाएंगी, उसकी एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ा गया।
दें पहले उसकी उस तारे खून की एक एक बूंद का हिसाब दें मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, उसके बाद बात करें कानून खत्म करने की। बात क्या बनना है उसका, 700 किसानों को शहादत को क्या क्या बन, क्या बनना है, क्या करेंगे उसके लिए। 2022 के चुनाव में मोदी जी भी यहाँ हैं, अमित शाह भी जी यहाँ हैं, सारे जो हैं यहाँ यूपी पे नजर है उसकी, तो क्या कहेंगे उसको लेकर 2022? ऐसे लोग ऐसे गिरे गड्ढे में दफन करेंगे कि नाम लेवा बाकी नहीं हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला। ठीक ठीक ठीक।